छतरपुर का महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पढ़ाई और खेलकूद को लेकर भले ही जिले का नाम रोशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में चल रही गतिविधियां प्रदेश स्तर पर सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में अनियमितताओं को लेकर निरस्त की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर SD चतुर्वेदी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में डॉक्टर SD चतुर्वेदी के साथ एक व्यक्ति की बातचीत है, जिसमें कुल सचिव डॉक्टर SD चतुर्वेदी इस व्यक्ति से लिफाफा पहुंचाने की चर्चा कर रहे हैं। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। हालांकि कुल सचिव डॉक्टर SD चतुर्वेदी ने इस ऑडियो की पुष्टि तो की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे एडिट करके गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है। सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। हाँ बोलिए, कितनी बार फोन लगा रहे हैं भाई? ये निवेदन कर रहे थे सर, हमने लिफाफा बाप दे दिया था कल, नहीं से क्या गलती हुई सर? नहीं लिफाफा पापा का अभी वो आप रख दिया था, उसमें एक और मैडम का रह गया था। लिफाफा जबरदस्ती मत वो करो, वो तो जो है और अब थे गाड़ी के पैसे ले लिए, बाकी का कर। नहीं नहीं नहीं, इस मामले में हमने कुल सचिव डॉक्टर SD चतुर्वेदी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह पुरानी बातचीत का एडिट ऑडियो है। उन्होंने बताया कि जब वे विश्वविद्यालय में कॉलेज का निरीक्षण करने वाली कमेटी के सदस्य थे, तब टीकमगढ़ के एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करने गए थे। कॉलेज संचालक ने लिफाफे की पेशकश की थी, जिसे हमने मना कर दिया था। इसके बाद कॉलेज संचालक के संबंधित कॉलेज को मान्यता नहीं देने की अनुशंसा भी की थी। विश्वविद्यालय में पिछले 4 महीने से लगातार षड्यंत्र किए जा रहे हैं। यह ऑडियो भी इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। इस संबंध में मैंने संबंधित कॉलेज संचालक का ऑडियो वायरल करने और कुलपति से मेरी शिकायत करने के बाद 30 जून 2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी भेजा था। मैं इस मामले में कॉलेज संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज कराऊंगा। बहरहाल इस ऑडियो में क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन छतरपुर का महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय लगातार कई विवादों से घिरा हुआ है और अब एक नए ऑडियो ने नया विवाद शुरू कर दिया है।